अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड, ये दो ऐसे शब्द हैं जिनका साथ काफी पहले से हमें देखने को मिल रहा है, जिसका प्राइम एग्जांपल हमें 90s की एरा में पूरी तरह से दिखता है, जब फिल्म सत्या को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जो गैंगस्टर्स की लाइफ पर आधारित फिल्म थी और जिसके राइटर थे अनुराग कश्यप और डायरेक्ट किया था राम गोपाल वर्मा ने। उसके बाद से अनुराग कश्यप का जो फिल्मों को लेकर दौर शुरू हुआ वो आज तक उनके साथ बरकरार है। अभी हाल ही में फिल्म 2012 के प्रमोशंस के चलते एक बातचीत के दौरान अनुराग ने ये खुलासा किया कि जब उनकी फिल्म ब्लैक फ्राइडे रिलीज हुई थी तब उन्हें कई बार अंडरवर्ल्ड की तरफ से कॉल्स और ऑफर्स आए थे कि मैं उनकी जिंदगी पर भी एक फिल्म बनाऊं और उनकी कहानी लोगों तक पहुंचाऊं। इस बात से वो काफी घबरा गए थे और जब उन्होंने पुलिस कमिश्नर से इस मसले पर बात की तो उन्होंने कहा कि आप क्यों डर रहे हैं, आप तो अंडरवर्ल्ड के चहेते हो, हम सबके चहेते हो, आपको उनकी तरफ से कोई खतरा नहीं है, ना ही आपको कोई थ्रेट कॉल्स किए गए हैं, और जाने को कह दिया। एक किस्सा उन्होंने और बताया जो उनकी फिल्म सत्या के वक्त उनके साथ हुआ था। दो लोग मेरे घर आए और कहा तुम्हें हमारे साथ जाना होगा। मैंने उनसे पूछा कि कौन है वो, जिसका जवाब मुझे मिला कि मुझे उनके साथ जाना होगा और गाड़ी में बिठा लिया। क्रिसमस पार्टी थी किसी गैंगस्टर की, वहां पर मुझे सिंहासन जैसी कुर्सी पर बिठाया और गोद में बच्चे बिठा दिए। हम लोगों ने फोटो खिंचवाई, साथ में खाना खाया, मैरी क्रिसमस बोला और कहा आप बहुत अच्छी फिल्में बनाते हो और मुझे घर भेज दिया। इसके साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि ऐसा ही एक इंसिडेंट मनोज वाजपेयी और सौरभ शुक्ला के साथ भी हुआ था, जो सत्या फिल्म की कास्ट का हिस्सा थे। सत्या फिल्म पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें पहली बार गैंगस्टर किरदार पर बारीकी से फोकस किया गया था और इसी वजह से अंडरवर्ल्ड का इंटरेस्ट बॉलीवुड स्टार से हटकर मेकर्स पर होने लगा था। आपकी क्या राय है अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के रिश्ते को लेकर, कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर शेयर करें और बाकी अन्य फिल्मों से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल MDTV एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।